हेलो गाइस, होप सब लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज आए हैं, दो नए पार्सल हैं एंड एक्चुअली ओपन्ड है क्योंकि कस्टम के द्वारा ये ओपन किए गए थे। तो आज के वीडियो में जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या चीज है इससे। रेसबेरी पाई से रिलेटेड कुछ है इसमें, तो जल्दी से वीडियो में दिखाता हूँ। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोर, कोर कुछ इस तरीके का दिखता है। एक रियल इंटेल का सीपीयू रहने वाला है, तो ये आप मेरे से खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। मेरा इंस्टा का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे भी एक आपको URL मिल जाएगा, वहां से आप मेरे इंस्टा पे आप मेरे को DM करो और इसको खरीद सकते हो मेरे थ्रू सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। कोर की चेन। हाँ जी, तो ये दोनों बॉक्स मिले हैं एंड दोनों में रेसबेरी पाई से रिलेटेड ही कुछ है, रेसबेरी पाई 5 से रिलेटेड है। तो जल्दी से मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाई देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये जो आज के पार्सल हैं वो आए हैं आर्गन की तरफ से हैं, क्योंकि अभी मेरे पास रेसबेरी पाई 5 नहीं है, तो इसमें आपको आज टेस्ट तो नहीं करके दिखा पाऊंगा दोनों केसेस को मैं। ये दोनों कुछ केस आए हैं, तो इन दोनों केसेस को मैं आज की वीडियो में आपको टेस्ट तो नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि आज मेरे पास रेसबेरी पाई 5 नहीं है। अगली किसी वीडियो में इसको रेसबेरी पाई 5 पे लगा के देखेंगे कितना ये कूलिंग एंड एफिशिएंट है ओवर द प्राइस, तो उसको टेस्ट करेंगे कैसे कैसे है। तो दोनों का रेट मैं बता देता हूँ आपको। जो ये वाला दिख रहा है आर्गन नियो आर्गन 1 V3, ये आपको मिल जाएगा $30 में एंड आर्गन नियो 5 आपको मिल जाएगा $19 में। तो ये दोनों कुछ प्राइसिंग रहने वाली है इन दोनों की। तो आर्गन नियो 5 से शुरू करते हैं, इसको अनबॉक्स करके मैं दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी अनबॉक्स हो रखे हैं क्योंकि ये कस्टम के द्वारा खोले गए थे, तो इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ पैकेट्स कस्टम के द्वारा खुल जाते हैं, तो ओके तो साइड में रखते हैं। इस तरीके का एक केस रहने वाला है, रेसबेरी पाई 5 का केस रहने वाला है। ये नीचे की तरफ प्लास्टिक है, बाकी सारा एल्यूमिनियम है। ये आवाज सुन सकते हो एंड यहाँ पे ये लाइक ऐसे यहाँ पे केस है। ओके, तो कुछ इस तरीके का है रहने वाला है ये। एंड यहाँ पे आपको फैन मिल जाएगा एंड आपको ये आपको रेसबेरी पाई 5 में इसका कनेक्टर मिल जाएगा, उसमें आपको रेसबेरी पाई 5 में कनेक्ट करना है एंड ये फैन चालू हो जाएगा। एंड ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एंड एक्सेस जो GPIO का एक्सेस है ना, वो आपको इस इधर से ही लेना पड़ेगा। इसको इसको हटा के GPIO का एक्सेस आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। केस मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में आपको तीनों पोर्ट्स के लिए जगह मिलती है, पावर के लिए एंड 2 HDMI के लिए। बाकी यहाँ पे SD कार्ड लगाने के लिए एक स्लॉट है, यहाँ पे बटन के लिए छोटा सा दे रखा है, बाकी यहाँ पे 2 USB और LAN के जो ट्रेडिशनल पोर्ट्स आते हैं रेसबेरी पाई 5 में वाले हैं। बाकी कुछ पीछे का जो बैग रहने वाला है प्लास्टिक का रहने वाला है, थर्मल पैडिंग एंड कुछ स्क्रूज निकले हैं इसमें, बाकी सारा एल्यूमिनियम बिल्ड है। तो कुछ ये रहने वाला है इसमें, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जो आर्गन वन है ना, ये V3 वाला, उसमें आपको RP2040 की चिप इंटीग्रेटेड मिलती है जो कि आपको जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट में हेल्प करती है। तो जल्दी से मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। आजा भाई बाहर। ओके, कुछ इस तरीके का दिखता है, काफी प्रीमियम है ये। $19 के हिसाब से हाँ कह सकते हैं कि अच्छी चीज है। $19 का मतलब 1500-1600 रुपए का ये केस मिलने वाला है। जनरली इंडिया में भी अगर आप कोई केस लेने जाओगे तो 700-800 का एक एल्यूमिनियम बिल्ड केस आता है, तो 1500-1600 के हिसाब से भी मुझे लग रहा है ठीक ही है। बट इसका जो प्राइस है वो $30 है, तो अराउंड अराउंड 2000+ का ये। तो चलो देखते हैं, 2500 के अराउंड अराउंड आते ही। तो इसको दिखाता हूँ, ये भी नीचे में प्लास्टिक आपको मिलेगा एंड ये केस जो थोड़ा बड़ा है इस वाले से, यहाँ पे आपको कुछ स्क्रूज वगैरह मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको नीचे मिल जाएगा ये, यहाँ पे रेसबेरी पाई 5 सेट होगा, यहाँ पे आपको उसको अटैच करना है इसका सब वो कह सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 2 HDMI के पोर्ट मिल जाएंगे, एक पावर इन के लिए पोर्ट मिल जाएगा, ये एक अलग से बोर्ड आता है। बाकी यहाँ पे पावर ऑन करने के लिए बोर्ड है, बाकी नॉर्मल चीजें हैं। एंड इसमें एक फीचर है एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप GPIO एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे GPIO आपको पहले से लगे हुए मिल रहे हैं क्योंकि इसमें RP2040 की चिप ऑलरेडी इंटीग्रेटेड आती है जो कि इसके बैक साइड में है। सो इसको मैं जस्ट रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। इस वाले बोर्ड में आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो IR सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है, IR सेंसर मिलता है टाइप सी। ये आपको टाइप सी RP जो 2040 है उसको प्रोग्राम करने के लिए रहने वाला है। एक छोटा सा फैन मिल जाएगा, फैन के लिए कनेक्शन आई डोंट नो किधर से है, जो भी हो कनेक्शन ये बोर्ड मैं जब खोलूंगा ना तो खोलने के बाद ये कनेक्शन दिखेगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। नो आई गेस ये जो फैन का कनेक्शन है वो GPIO रेल से ही होने वाला है। तो ये कुछ रहने वाला है इसका।
और इसमें एक फायदा है कि आपको बड़े वाले जो HDMI है, HDMI मिनी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये केस लेते हो तो HDMI मिनी वाले लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट ही सपोर्ट करेगा फुल फुल साइज HDMI। तो ओवरऑल कुछ ये सारी चीजें इसमें आई हैं। तो जैसे ही मेरे पास रेसबेरी पाई 5 आएगा, रेसबेरी पाई 5 जल्दी खरीदेंगे, अपने चैनल पे शोकेस करेंगे, तो ये दोनों केस रहने वाले हैं। और उसमें दोनों को ही टेस्ट करके दिखाऊंगा कितना कूलिंग एफिशिएंट है ये दोनों बोर्ड, दोनों ही केस। यहाँ पे आपको अलग से GPIO का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे तो ये ज्यादा बोर्ड अच्छा लगा, $30 के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि अराउंड अराउंड $50 का तो रेसबेरी पाई 5 आ ही जाता है 4 GB के साथ। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, बट देखते हैं टेस्ट करके कितना कूलिंग वगैरह ये प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल आज की वीडियो में यही रखते हैं, बाकी एक बार आपको साइट दिखा देता हूँ। वेबसाइट इनकी कुछ इस तरीके की रहने वाली है। ये वाली जो वेबसाइट है ये Argon 1V3 केस के हैं। यहाँ पे आप इसकी प्राइसिंग देख सकते हो, $30 यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है। ओवरऑल ये कुछ केस रहने वाला है, यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। हाँ, तो ये कुछ फीचर्स वगैरह आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बाकी कुछ ये सब रहने वाला है। Argon Neo 5 भी दिखा देता हूँ, ये कुछ Argon Neo 5 रहने वाला है, अराउंड $90 का आता है। एंड यहाँ पे भी आप इसके फीचर्स देख सकते हो। तो ओवरऑल यही सब कुछ आज रिसीव हुआ है पैकेज में। तो इसकी जो भी वीडियो रहने वाली है, इसकी जो टेस्टिंग वाली वीडियो वगैरह रेसबेरी पाई 5 के साथ, तो आगे किसी जल्दी वीडियो में आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू चेकआउट कोर। कोर कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आप खरीद सकते हो मेरे थ्रू सिर्फ और सिर्फ ₹350 में। मेरे इंस्टा पे आप मुझे DM करो एंड वहां से इसको खरीद सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय।